मैं तो राहुल गांधी जी से और अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की जाति बता दें। राहुल गांधी फिरोज खान के बेटे हैं और उनकी माँ ईसाई है, तो वो अपनी जाति बताए ना। जाति आग में झोंकना चाहते हैं, जातीय जनगणना हो हम नहीं कहते, लेकिन राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर जाति की बात करे और उस पर चिल्लाए तो रब राहुल गांधी जी की जाति नहीं है। देखिए राहुल गांधी के बारे में जो पप्पू वाली कहावत है बिल्कुल सही है। अगर राहुल गांधी, उनको ये लगता है कि कुछ सीटें हमारी आई हैं और कुछ सीटें बढ़ी हैं, उनको ये लगता है कि राहुल गांधी के कारण बढ़ी हैं। इन्होंने एक भ्रम फैलाया पूरे उत्तर प्रदेश में कि संविधान हम खत्म कर रहे हैं। अखिलेश जी ने प्रमोशन में जो हमारा आरक्षण था उसको समाप्त किया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में 370 लगा के वहाँ दलित समाज का आरक्षण समाप्त किया। और यहाँ तक कि बाबा साहब के लिए आपको याद होगा, आजम खान और उनकी पार्टी के नेता भूमाफिया बोलते थे कि जितनी भी LMC हैं उन सब पे कब्जा इस व्यक्ति का है, ये बोला था कि नहीं। वो लोग जिन्होंने बहन जी को मारने के लिए गेस्ट हाउस कांड पूरा प्रदेश नहीं भूला है, जो दलितों की नेता हैं उनकी मसीहा हैं, उनको मारने के लिए प्रयास किया, बीजेपी ने बचाया। तो जो भ्रम फैलाया था क्षत्रियों के बीच में, जातिवाद जो फैला के जो उनकी फितरत है, विकास की बात एक नहीं की इन्होंने पूरे चुनाव में, यही बात करते रहे, वो जनता समझ चुकी है और भ्रम टूट चुका है। उसके कारण इनको लगता है कि अब जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि जनता के अंदर गुस्सा है। भारतीय जनता पार्टी 350 सीट लेके आएगी। राहुल गांधी जी के लिए मान लिया अखिलेश जी उनका सपोर्ट कर रहे हैं तो ये और दुर्भाग्यपूर्ण है। भाई अखिलेश जी की सरकार में या उससे पहली जो सपा की सरकार थी, कार सेवकों पर गोली चलवाई गई, साधु संतों को मार करके सरयू में डाल दिया गया, पत्थरों से बांध करके सरयू में डाला गया, बेटियों के बलात्कार का समर्थन उनके द्वारा किया गया उनके नेताओं के द्वारा। सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों को आज़ाद हिंदुस्तान में, जब देश आज़ादी के बाद आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं आई है जिसने आतंकवादियों को रिहा करने का, हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी जिन्होंने बम विस्फोट किए हों, तमाम धार्मिक स्थलों पर जिनमें लोगों की जान गई उनको रिहा करने का आदेश दिया हो, तो पूरा प्रदेश जानता है। सड़कें नहीं थी, बिजली आती नहीं थी, पानी नहीं था, चिकित्सा नहीं थी, पूरी तरह तराई तराई था। आज उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं वो ये मानते हैं कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं। बेटियाँ तक नहीं सुरक्षित नहीं थी, कॉलेजों के बाहर गुंडे खड़े रहते थे, कहाँ निकलते किसका मर्डर हो जाए। तो इन सब चीज़ों से जो हुआ बौखलाहट है, उनकी जमानतें जब्त होने वाली है। मैं तो राहुल गांधी जी से और अखिलेश जी से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी की जाति बता दें। भाई फिरोज खान का लड़का कौन हुआ? उन्होंने हिंदू नाम से, मैंने पहले भी लोकसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है कि वो हिंदू कैसे हुए, जब हिंदू नहीं है तो उन्होंने गलत फॉर्म भरा है, तो उनकी जो सदस्यता निरस्त होनी चाहिए। तो जब राहुल गांधी फिरोज खान के बेटे हैं और उनकी माँ ईसाई है, तो वो अपनी जाति बताए ना। जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को दोबारा से जाति आग में झोंकना चाहते हैं। जातीय जनगणना हो हम नहीं कहते, लेकिन राहुल गांधी जैसा व्यक्ति अगर जाति की बात करे और उस पर चिल्लाए तो रब राहुल गांधी जी की जाति नहीं है। उनकी दादी ने 7 नवंबर 1966 को गायों पर गोली चलवाई थी, 2500 साधु मारे गए थे। तो वो पाप जो स्वामी कृपात्री जी महाराज का इनके सर चढ़ के बोल रहा है, इनका पूरा वंश नष्ट होना शराब के अनुसार, मैं नहीं कह रहा ये पार्टी समाप्त होनी है और इनके चक्कर में समाजवादी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी, आप मेरी बात को याद रखना। 2027 में एक तरफा माने योगी जी की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, वो किसी संदेह में ना रहें। लेकिन राहुल गांधी से फिर मेरा सवाल आपके माध्यम से कि वो अपनी जाति बता दें। और उन्होंने जो फॉर्म भरा है कायदे में, तो लोकसभा अध्यक्ष जी को आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उनकी सदस्यता निरस्त हो, क्योंकि उन्होंने अपनी जाति हिंदू लिखा है और या फिर अपनी जाति बताएं। जब वो फिरोज खान के पोते हैं तो कैसे हिंदू हो गए और कैसे जाति की बात कर रहे हैं? तो पूरा सिस्टम फेल हो चुका है इनका, समाप्त हो चुकी हैं पार्टियां, इसलिए बौखलाहट इनकी है।